बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चलें जी, आज एक खूबसूरत शाम के साथ व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह के ऊपर। तो सियालकोट में खुला था जी डॉलर स्टोर, तो सोचा आप लोगों को वहाँ की सैर करवाई जाए। तो चलें जी चलते हैं। तो चले जी, हम लोग एंटर हो चुके हैं डॉलर स्टोर के अंदर। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ अपनी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ डॉलर स्टोर की, अपने पुराने चैनल के व्लॉग के अंदर। लेकिन ये खुला था डॉलर स्टोर मेन सदर में, कैंट के मेन सदर में खुला था। और वो जो पुराना वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को डॉलर स्टोर दिखाया था, वो मॉडल टाउन खुला था। तो यहाँ जो है ना, ये कुछ ज़रा सा इंटरेस्टिंग सा लगा था, सोचा चलें क्यों ना इसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों को बताऊं कि ये डॉलर स्टोर बेटर था कि वो वाला। आई थिंक कि दोनों डॉलर स्टोर जो है ना, वो एक ही तरह के थे, लेकिन ये थोड़ा सा चूँकि बड़ा था, ये बेसमेंट में इन्होंने खोला था। और चाइना का माल हर तरफ है, चाहे इस डॉलर स्टोर की बात की जाए चाहे उस डॉलर स्टोर की बात की जाए। तो बड़ी सिटीज़ के अंदर जो है ना, डॉलर स्टोर की वैरायटी ज़्यादा होती है चीज़ों की, लेकिन यहाँ पर जो है ना, बस रीज़नेबल सी थी। बाकी ये कि आपको बड़ी बड़ी बॉटल्स 160 रुपीज़ में मिल रही हैं, तो वो आप लोगों के लिए क्वाइट रीज़नेबल लगता है आप लोगों को। तो बाकी चाइना का माल है, क्या इसके बारे में बात कर सकता है बंदा, जिसकी कोई गारंटी नहीं हम लोग दे सकते। तो बस ये देखिए, कुशन्स भी 160 के मिले थे। आजकल के महंगाई के दौर में कहाँ पर ये मिलते हैं? हैंड वॉश थे जो भी 160 रुपीज़ के थे, उसके बाद जो स्प्रे होते हैं वो भी 160 के थे। हर चीज़ यानी कि 160 रुपीज़ की थी, ये हार्पिक वगैरह और जितना कुछ भी आप लोगों को नज़र आ रहा ना, ये सारा कुछ 160 का था। तो बाकी अगर बाज़ार से कीमतें कंपेयर की जाए तो ये काफ़ी रीज़नेबल। अच्छा, तो ये देखिए जी, क्रॉकरी भी यहाँ पर लगी थी, लेकिन ये 160 का सिर्फ एक पीस था, ठीक है। अब मैं भी ये सोच रही थी कि 160 की सारी प्लेट्स मिल जाएंगी, लेकिन नहीं, 160 की वन प्लेट थी। और शीशे का मटेरियल था, प्लास्टिक की प्लेट्स भी थी। ये डोर डस्टर भी हम लोगों को मिल गया था, ये भी 160 का था। तो अगर हम लोग दराज से बाय करें तो हम लोग डिलीवरी चार्जेस भी पे करते हैं, तो इसके लिहाज से ना ये मुझे अच्छा लगा था, तो हम लोगों ने इसको बाय कर लिया था। अच्छा हाँ, मुझे यहाँ पे मग्स बहुत अच्छे लगे इनकी। अगर 160 का भी आप लोग ये मग दिखे तो ये काफ़ी हैवी मग था, ये पत्थर के सारे बर्तन थे यहाँ पर, ये भी 160 के थे। तो ये मुझे थोड़े से अच्छे लगे थे एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों के। इनका मटेरियल जो है ना, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था, यानी कि जो कप्स वगैरह थे और ये बाउल्स वगैरह थे ना, ये मुझे अच्छे लगे थे। तो ये जार से, एयर टाइट जार से आप इनमें कुछ भी जो है ना, वो सेव कर सकते हैं स्पाइसिस वगैरह। अच्छा, शीशे के बर्तन तो अच्छे थे ही थे, इसके साथ स्टील के बर्तनों की काफ़ी वैरायटी थी। पैन्स थे, बाउल्स थे, उसके बाद छोटे पैन थे, देर मैंने साइज़ के पैन थे, काफ़ी कुछ था इसमें, देगचियाँ वगैरह भी थी। और ये इनके, लेकिन इनका ये था कि इनके जो पैंदा होता है ना, वो इतना पायदार नहीं होता, नीचे लगने का भी खतरा हो सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, बर्तनों की बात तो क्या ही करें, चाइना वालों ने इतना यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान रखा था, सारा 160 रुपीज़ में था। पाउडर्स थे, लोशंस थे, फेस वॉशेस थे, उसके बाद एलोवेरा जेल थी, मेकअप था, फाउंडेशन थी, शैम्पूस थे, कंडीशनर थे, सब कुछ कुछ। तो अगर आप लोगों को अपने बालों से प्यार नहीं है, अगर आप लोग गंजा होना चाहते हैं, तो 160 रुपीज़ के यहाँ पे शैम्पू की भरमार लगी हुई है, आप लोग यहाँ से ला के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एलोवेरा जेल, अब पता नहीं ये रियल था कि फेक था, ये भी 160 रुपीस का था। उसके बाद ये शैम्पू था, ये भी 160 रुपीस का था। उसके अलावा ये भी शैम्पू था, ये भी 160 रुपीस का था। हेड एंड शोल्डर था, वो भी 160, यानी कि हर चीज़ 160 रुपीस की थी। कि अब ये देखिए, वैक्स जो है ना, ये भी 160 रुपीस की थी, इतना बड़ा कंटेनर था। अच्छा, एक इसमें हम काम कर सकते हैं, आप लोग जो इसमें से जो क्रीम्स वगैरह ना, वो आप लोग सर्दियों में हाथों और पाँव के लिए ला सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में पाँव इतने सख्त फट जाते हैं। तो हाँ, पाँव को तो नुकसान नहीं होता, उनकी स्किन जो ना थोड़ी सी जो है ना वो सख्त होती है। हाँ, फेस के ऊपर इस्तेमाल करने से जो है ना, वो परहेज़ करें 160 रुपीज़ की चीज़ों को। और ये देखिए, फेस वॉश भी थे। अब पता नहीं इनको यूज़ करने के बाद स्किन का क्या हशर होता होगा, मैं तो डर गई थी। उसके अलावा मिस्ट भी थे, ऑयल्स भी थे, बहुत कुछ था।
अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे सन ब्लॉक अवेलेबल था जिसमें SPF 90 तक था, और मैं देख के हैरान होगी कि हम लोग तो 60-50 वाला तक हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे 90 वाला भी था जिसमें SPF 90 तक होता है। उसके अलावा था बॉडी मिस्ट, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया, उसके बाद मेकअप फिक्सर थे, प्राइमर था, फेस वॉश की इतनी डिफरेंट किस्म की जो है ना वो किस्में थी कि आपकी सोच से बाहर, ऑयल्स थे, तो बस मैं तो हैरान रह गई थी सब कुछ देख के। चीची इनकी मिस्ट अच्छी होती हैं। क्या चीज़? मिस्ट, बॉडी मिस्ट जो होती है ना। ये क्या है? क्रीम चाहिए मुझे, आम यूज़ करने के लिए ठीक है, पैरों पर लगाने के लिए, मुझे होती है, हाँ पाँव के लिए, मेरे साइड ये देखना, वो देखे क्या है, वॉश स्ट्रिप क्या है, वैक्स स्ट्रिप्स हैं, दिखाएं, वैक्स स्ट्रिप्स रोल है, वो है गाड़ी के लिए, नहीं नहीं वैक्स स्ट्रिप रोल है, वैक्स करने के लिए जो नहीं था रोल, अच्छा वो वाला, हाँ आए थे मतलब आनों के लिए, जैसे नहीं अभी नहीं, मैं पहले वैक्स को ले लूँ, इधर ये डॉलर शुरू कहाँ भागा जा रहा है, देखो जरा इतने रोल देखूँ कि मैं ये हार्ड वैक्स भी है, नहीं मैं भी मेकअप रिव्यू करूँ, मैंने को डस्टिंग क्लोथ में, ये ठीक है, टॉवल्स देखें, टॉवल्स भी हैं ऐसे, तो वो किचन के लिए टॉवल रख लें माँ हाथ साफ करने के लिए। अच्छा, मैंने एक चप्पल भी बाई की थी, ये भी 160 की थी, कोल्हापुरी, इवन खुद से भी अवेलेबल थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।